Friends, how are you? I hope that you all have been taking a very very good care about your health as well as your studies. आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट से जरूर देखें क्योंकि ये है सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 8 का आपकी सबसे पसंदीदा मोस्ट फेवरेट ग्रामर की बुक टिपिकल का और ये है नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चीज करना. आइए शुरू करते हैं. नंबर 1 है राम सेड टू हिज फ्रेंड. राम ने अपने मित्र से कहा प्लीज टेल मी कृपया मुझे बताओ व्हाट टाइम इट इज. कई बार हम सेंटेंस में व्हाट व्हाई वेयर देखकर ये मान लेते हैं कि इंटरोगेटिव है. जरूर वहां पर हम देखें क्वेश्चन मार्क है या नहीं. यहां पर फुल स्टॉप है और सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से है. इसका मतलब एक टिपिकल एग्जाम्पल है इंपेरेटिव आज्ञावाचक वाक्य का. इसलिए हम सेट टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में क्योंकि हमने प्लीज देख लिया है. तो यहां से राम रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लीज की जगह रिक्वेस्ट लगा दिया तो प्लीज हट गया. अब आगे टू टेल यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब पहला चेंज आया मी. मी है फर्स्ट पर्सन जिसे हम चेंज करते हैं हमेशा सब्जेक्ट से. तो राम की जगह आ गया हिम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है. बाकी व्हाट टाइम इट इज का हो जाएगा वाज. क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा क्लॉज है पास्ट टेंस में. अगर ये सेज होता तो यहां पर इज रहता. अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें. नंबर 2 सिट डाउन बॉयज एंड लर्न योर लेसन सेड द टीचर. ये बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुका है क्योंकि इंटरेस्टिंग है और इसमें रिपोर्टिंग क्लॉज को लास्ट में लाए हैं और स्पीच को पहले. तो सबसे पहले हम द टीचर उठा के लाएंगे. टीचर जब भी कुछ कहता है तो आदेश देता है. तो यहां पे ऑर्डर्ड किससे ऑर्डर दे रहा है? स्पीच में उसने कहा लड़को. लेकिन जब बात सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन तक चली जाएगी और थर्ड तो ये कहेगा अध्यापक ने लड़कों से कहा यानी कि उन लड़कों से. तो बॉयज की जगह पर या ऐसी जगह पर गर्ल्स हो या कॉमरेड्स हो या स्टूडेंट्स हो सोल्जर्स हो हमेशा ध्यान रखेंगे दा लगाएंगे. द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज. अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया उन लड़कों को जो वहां क्लास में थे टू सिट डाउन बैठ जाने का. ठीक है अब आगे बढ़ें. एंड लर्न सीखने का योर लेसन उनके पार्ट यानी कि वे अपने पार्ट पढ़े. तो योर कौन है? ये है बॉयज जो कि है थर्ड पर्सन. तो यहां उनकी जगह पर आएगा देयर लेसन. है ना इंटरेस्टिंग. नंबर 3 देखिए इससे भी अच्छा और इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा. द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स. कप्तान ने सिपाहियों से कहा सेम एग्जाम्पल है डू नॉट फायर. गोली ना चलाएं अंटिल आई गिव यू सिग्नल. जब तक मैं आपको सिग्नल ना दूं. तो द कैप्टन सेड टू का हो गया ऑर्डर. द सोल्जर्स डू नॉट का हो जाता है नॉट टू क्योंकि हमने ऑर्डर का यूज किया है. फायर अंटिल आई की जगह पर आ गया कौन? कैप्टन ही. और गिव की जगह पर आ गया गिव क्योंकि यहां पर सेड है और ये प्रेजेंट है. गिव और यू है ऑब्जेक्ट जो है सोल्जर्स से चेंज करना. यू सेकंड पर्सन है जिसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से यानी कि सोल्जर्स देन सिग्नल्स. एक और इंटरेस्टिंग बात है अगर आप सेड टू की जगह पर फॉरवर्ड का यूज करते हैं जिसकी हिंदी है मना किया मना करना तो हम ध्यान रखेंगे डू नॉट की जगह केवल टू का यूज करेंगे. नॉट मैंने निशान लगा दिया है इसका यूज नहीं करेंगे. बाकी चेंजेस पहले की तरह ही होंगे. है ना मजेदार. नंबर 4 है कम क्विकली ही शाउटेड एंड हेल्प मी. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है. इसमें स्पीच के 2 टुकड़े कर दिए हैं आधी पहले और आधी बाद में और रिपोर्टिंग क्लॉज को बीच में फंसा दिया है तो उसे हम बाहर निकालेंगे. ही शाउटेड को एज इट इज रखेंगे. ध्यान देंगे सेड को चेंज करेंगे लेकिन शाउटेड है क्राइड है. जब भी कोई डिफरेंट वर्ड आएगा ध्यान रखें उसे हम इनडायरेक्ट में एज इट इज ले जाएंगे. तो ही शाउटेड. अब इसमें मैंने एक और कोशिश की है आपकी हेल्प करने के लिए. ब्रैकेट में हमने ऑब्जेक्ट देने की कोशिश की है या तो हिम हर भी हो सकता था या फिर देन कि वो चीख किस पे रहा है तो थोड़ा सा हमने ब्रैकेट में एक हिंट दे दिया. तो ही शाउटेड वो चीखा उन पर किसी एक या बहुतों पर. टू काय के लिए? कम क्विकली जल्दी से आने के लिए. एंड हेल्प और मदद करने के लिए मी एंड फर्स्ट पर्सन किसकी? उसकी. तो मी को हिम में चेंज कर दिया. तो ही शाउटेड वह चीखा टू गो क्विकली जल्दी से जाने के लिए
एंड हेल्प हिम और उसकी सहायता करने के लिए. एन इंटरेस्टिंग नेक्स्ट देखें. द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट इजी है डू नॉट टेक फूड दैट डे. सिंपल एडवाइज है. द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट डू नॉट टू नॉट टू टेक फूड टूडे का दैट डे. एक और बात, अगर हम सेट टू की जगह फॉरवर्ड लिखेंगे तो हम पहले ही बता चुके हैं इसमें केवल टू का यूज करेंगे, नॉट का नहीं. नेक्स्ट है, आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा बी क्विक जल्दी करो एंड लेस्ट यू शुड बी लेट, वरना तुम देर कर जाओगे या तुम्हें देर हो जाएगी. तो आई सेड टू का एडवाइज्ड राम टू बी क्विक, लेस्ट यू का हो गया सेकंड पर्सन है राम ऑब्जेक्ट, ही शुड बी लेट इजी. आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा कम आउट बाहर आओ इफ यू लाइक, अगर तुम चाहते हो तो. आई सजेस्टेड हिम सेड टू का, मैंने उसे सलाह दी टू कम आउट बाहर आने की इफ यू लाइक, अगर वो उसे पसंद करता है. इंटरेस्टिंग.